धार और बड़वानी जिलों में घुसने लगा बैक वाटर। नर्मदा का पानी धीरे धीरे बाशिंदों के मकानों की दहलीज को छू रहा है। वहीं सरदार सरोवर डूब प्रभावित हजारों लोगों ने सरदार सरोवर बांध की नेत्री मेघा पाटकर के साथ मोर्चा खोल दिया है। बड़वानी जिले के राजघाट पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आज से शुरू हुआ है, जिसमें डूब प्रभावित 192 गांव के लोगों ने एक साथ मोर्चा खोल दिया है। बिना पुनर्वास डूब ना मंजूर, बिना पुनर्वास डूब ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। आज से शुरुआत में डूब प्रभावित सरदार सरोवर बांध की नेत्री मेघा पाटकर के साथ कई महिलाएं एवं पुरुष धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। जब तक मांगे पूर्ण नहीं होती तब तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। नहीं चाहिए कि जिस बांध से लाभ नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, उस बांध में हम लोग कितना योगदान दे दे और कितना नहीं। ये कब तक चलेगा ये आंदोलन? ये तो अनिश्चितकालीन है। अब पानी को पूछिए, माता नर्मदा को पूछिए कि वो क्या चाहती है। आप क्या मांगेंगे अधिकारी यहाँ की चर्चा करें? बिल्कुल ही यहाँ बैठ के ही चर्चा होनी चाहिए। वो चार दिन खुद के लिए ले ले, वहाँ बैठ के वो अपने निर्णय ले ले, फिर आए यहाँ। तब तक पानी को रोक के रखें।